नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जैज व्लॉग डायरी के हमारे चैनल में, जहां हम अपने हॉलिडे और रिलीजियस टूर्स के वीडियोस को एंटरटेनिंग कंटेंट बनाकर आपके सामने अपने व्लॉग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही हॉलिडेज के दौरान होटल में हमारी स्टे एवं रेस्टोरेंट के फूड्स को लेकर हमारे रिव्यू को आपके साथ शेयर करके हम अपने ब्लॉग के पैशन को फुलफिल करते हैं। ऐसा करके यदि हम आपका थोड़ा बहुत भी एंटरटेन कर पाए या आपके लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन कर पाए तो ये हमारे लिए फक्र की बात होगी दोस्तों। बदले में आपसे केवल एक छोटा सा फेवर हम चाहते हैं। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो, हमारी उनसे गुजारिश है कि प्लीज आपका बहुमूल्य सब्सक्रिप्शन देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे इस ब्लॉग के पैशन के मिशन को सपोर्ट करने में हमारी मदद करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि हमारे कंटेंट्स आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC क्रिकेट कप का फाइनल मैच खेला गया। दुर्भाग्यवश भारत ये मैच जीत नहीं सका। इस मैच को लेकर कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि हमारे चैनल की ओर से भी इससे रिलेटेड एक कंटेंट बनाया जाए और इसी उद्देश्य के साथ आज हम ये कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डिले आइए अब हम और आप मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। 19 नवंबर 2023 का रविवार, जब 1.5 अरब भारतवासियों के दिलों में एक ही अरमान था, 2011 के वो पल एक बार फिर दोहराए जाए। दिलो जान एक करने पर किसी तरह ICC वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट आखिर मिल ही गई। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर लैंड करने पर एक रोमांच हर किसी के चेहरे पर देखने को मिला। एयरपोर्ट के लाउंज में स्टेडियम की बैकड्रॉप और ICC वर्ल्ड कप को अपने हाथों में लेकर सेल्फी लेने वाले लोगों के अंदाज की एक छोटी सी झलक देखिएगा दोस्तों। हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुँचने के लिए ओल्ड हाईकोर्ट से मेट्रो लेना होगा। मेट्रो स्टेशन का माहौल तो और भी चौंका देने वाला था। मेट्रो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी आज के खास दिन के लिए ज़्यादा की गई, लेकिन ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बावजूद लोग एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे। सभी को स्टेडियम पहुंचने की जल्दी थी, और जल्दी क्यों न हो, आज उनके मैन इन ब्लू को एक्शन में जो उन्हें देखना था। स्टेडियम के बाहर का माहौल देखिए दोस्तों, चारों ओर सिर्फ नीला रंग देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा मानो नीला सागर अपनी पूरी जोर लेकर बह चला हो। विश्व में है क्या ऐसा दूसरा देश जहां एक खेल को लेकर लोगों में इस स्तर का जुनून या इस लेवल का हौसला हो। तभी तो हम जहां भी चले जाएं, अपने भारत से बेहतर कहीं कुछ नहीं। हम में वो जज्बा है दोस्तों, जो चाहते तो सारी दुनिया को है, लेकिन मिटते सिर्फ हिंदुस्तानियों पर। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम के भीतर आखिर दाखिल हो गए दोस्तों। करीब 1,32,000 लोगों की भीड़ को एकोमोडेट करने का इस स्टेडियम की कैपेसिटी है। इसी प्रांगण में कभी सरदार पटेल स्टेडियम हुआ करता था। 2015 में सरदार पटेल स्टेडियम को तोड़कर 5 सालों बाद इसे भारत की शान का मौजूदा रूप दिया गया, जिसमें पूरे 800 करोड़ की लागत लगी। टॉस भारत के पक्ष में नहीं रहा और मेज़बान टीम को पहले बल्लेबाजी करना होगा। कुछ ही पलों में दोनों देशों के नेशनल एंथम गाए जाएंगे, जिसके उपरांत भारत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेगा। सारे दर्शकगण कॉन्फिडेंट थे कि मैन इन ब्लू एक अच्छी स्कोर खड़ा करके भारतवासियों को ICC का कप दिलाएगा। लेकिन दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया अपनी तगड़ी होमवर्क के साथ मैदान में उतरी और भारत को मैच में हावी होने नहीं दिया। एक ऐसी टीम जो पूरे टूर्नामेंट को टोटली डोमिनेट कर रही थी, आज मैन इन येलो के आगे फीके पड़ गई। वह विशाल स्कोर जो भारत लगातार इस विश्व कप में अब तक करता आया, आज वो किस्मत से भारत वंचित रह गया। भारत की पारी 241 रनों पर सिमट गई।
वह लक्ष्य जो भारत को जीत दिला सकता था उससे हमें करीब 60-70 रनों की कमी पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू होने से पहले प्रीतम जी की लाइव म्यूजिक के साथ लेजर शो देखकर दर्शकों का थोड़ा मूड फ्रेश हुआ। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटें गिरने पर ऐसा लगा कि हम मैच में जीवित हो उठे, पर आज ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम साबित हुई। एक बेहतर टीम से हार किसी मायने में शर्मनाक नहीं होती, क्योंकि आज किस्मत भी उनके साथ थी, इसलिए पूरा भारत मैन इन ब्लू के साथ खड़ा है। जय श्री राम, भारत माता की जय। सो ये था फ्रेंड्स क्रिकेट मैच को लेकर हमारे चैनल की ओर से एक पेशकश। हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी, प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय डालकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक हमारे चैनल की ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी बधाई और ढेर सारा प्यार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।